तो कैसा लगा देखिएगा कोसाइन स्कूल का बात चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल प्लस मेजरमेंट, यानी जिस चैप्टर में ट्रायंगल का मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक पे बात हो, रिलेटेड बात हो, उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। त्रिकोण, त्रिकोण मतलब क्या, तीन, जिसमें तीन कोण यानी त्रिभुज, और मिति मतलब मेजरमेंट होता है। तो ये जो भी होता है, ये मेजर, जो मेजरली किससे बात होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि एक हाइपोटेनस है, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। बट ये ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, अगर आप नीचे से खड़ा होकर देखिएगा तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ऊपर से देखिएगा यहाँ पे खड़ा होकर देखिएगा स्लेट के, तो सामने वाला साइड जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने वाला ये होगा ना। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे इसी के बारे में बात करने वाले, इस सब चीजों के बारे में। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा और ये आपको आपके सामने दिखेगा। फिर वहां से हम लोग क्या करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये जानते हैं। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, और बी स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से रूट लगा देंगे तो पी बाहर हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग ये भी जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सातवां आठवां नौवां जो भी है इन सब चीजों से। यहाँ पे नया पढ़ने को क्या मिलेगा क्लास टेंथ में, वो है ये, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब ये चैप्टर में आपको कुछ वैल्यूज वैल्यूज नहीं जाना, बस रेशियो के बारे में ही बात करना होता है। मेजर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी अगर टेन थीटा का वैल्यू दिया जा रहा है 7/8 या 15/8, तो वो एक्चुअली वो 15 और 8 जो है क्या है, वैल्यू नहीं है बल्कि क्या है, रेशियो है। हमेशा ध्यान में रखिएगा क्या है वो, रेशियो है। तो यहाँ पे साइन 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्स्टेंट होते हैं, एक होता है साइन, कॉस और टेन, और बाकी के जो तीन होते हैं वो इन्हीं का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट है, वन है। यानी कहने का मतलब कि 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/9, तो ये क्या हो जाएगा, कट कट के 1 आ जाएगा ना। तो साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा कॉस, इसलिए साइन इंटू कॉस बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी याद रखिएगा। वैसे कॉस इंटू कॉस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है सेक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इंटू सेक बराबर 1। सिमिलरली टेन और कॉट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, ये टेन इंटू कॉट। अब ये दोनों का इंटू बराबर 1 है तो साइन बराबर क्या, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर कॉस को रख के साइन को भेजा जाएगा तो 1/sin, तो ये भी एक आइडेंटिटी है। लेकिन मेजरली हम लोग अब आइडेंटिटी कौन सा ये क्लियर रखेंगे तो बाकी का दोनों हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कॉस बराबर 1/sec, सेक बराबर 1/cos, टेन बराबर 1/cot और कॉट बराबर 1/10। सब क्लियर है, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या जानना है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल थीटा है, इसके हिसाब से ये पी हो जाएगा, ये पी होगा और ये एच हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर होता है, जैसे वहां पे था साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हेल्प से जो फॉर्मूला निकला था वो 1/cosec था। लेकिन जो मेन फॉर्मूला होता है साइन इक्वल टू क्या होता है, वो यहाँ से निकल पाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी बाई एच। हाँ, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच एच। शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे काम करते हैं, ये साइन हम फाई कर देते, इसका नाम फाई है, ठीक है ना। तो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम याद नहीं रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन ये याद रखेंगे, ठीक है ना। इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी और सी। तो अगर हम देखें साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाई परपेंडिकुलर क्या है इसका, ए बी है ना, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर पी बाई एच। वैसे ही कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन, इसका भी हाइपोटेनस ही होता है, ठीक है। कॉस थीटा पर एडजेसेंट साइड कौन है इसका, एंगल के साथ एडजेसेंट साइड कौन, बीसी है ना, बीसी है ना, तो बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस एसी। एसी कोई दिक्कत यहाँ पे, तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, ठीक है। अब बात करते हैं टैन थीटा बराबर, तो टैन थीटा होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं नहीं एडजेसेंट, यानी परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बी सी, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बाई बी। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर एंगल यहाँ पे दिया गया है तो यानी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, बार बार फोकस कर रहे हैं। एक हमारे पास प्रॉब्लम अगर आ जाता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कैसे? देखिए LHS को या तो चेंज करके RHS में कन्वर्ट कर दीजिए या RHS को LHS में, लेकिन LHS को तोड़ने का कोई मतलब है नहीं, दिखता नहीं है यहाँ पे कुछ दिख रहा है। RHS में लंबा छोड़ा उसको तोड़ के, मतलब उसको तोड़ कर और फैलाना आसान होता है, तो RHS से हम चलते हैं। ठीक है ना, तो RHS क्या है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई बराबर क्या होता है? पी बाई एच। और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? P by H, गुणा करेंगे तो भाग एच बाई बी हो जाएगा, पलट जाएगा। H से H कैंसिल क्या आ गया? P by B। और P by B क्या होता है? होता है tan थीटा। तो इसके हिसाब से ये भी एक आइडेंटिटी हो जाएगा, होगा ना? तो वैसे ही cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बाई sin थीटा। अब आप सोचिएगा सर इतना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं याद करना, आप लोग इतना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे ना खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? इसको मिटा दें, लिखने में टाइम लगेगा है ना, फोटो क्लिक करें।